गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ रंजन आपका एसएसटी टीचर फिर एक बार एक नए वीडियोस में, जिसकी क्लास 10th के सिविक्स का चैप्टर 6 का पार्ट 4 है। बच्चों, इससे पहले हमने बहुत सारी बातें की हैं, हमारे पुराने वीडियोस जो भी हैं उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी के बारे में है। कल तक हमने सीखा था कि हमारे यहाँ वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम है, गवर्नमेंट जो है वो अलायंस गवर्नमेंट है और बहुत सारी बातें। आज हम समझेंगे कि इन तीनों में बेस्ट कौन है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो कहता है विच ऑफ द दीज इज बेटर, कि इन तीनों में से जो हमारा वन पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम है, थ्री पार्टी सिस्टम है या मल्टी पार्टी जिसको बोलते हैं, उसमें से कौन सा बेस्ट है। तो जब हम बेस्ट की बात करते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इस बेस्ट को चुनने से पहले इसके प्रॉफिट और लॉस को समझना होगा। बच्चों, वन पार्टी सिस्टम क्विक डिसीजन, लेकिन च्वाइसेस नहीं। आप कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी की पहचान ही नहीं है, पीपल्स चूज ही नहीं कर सकते। उनको फिक्स पीपल पता है कि यही कुछ लोग हैं जिनको हमें चूज करना है। वोटिंग राइट सबको नहीं, लिमिटेड लोगों के पास वोटिंग राइट। तो वन पार्टी सिस्टम कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से गलत लगता है, या इतना जरूर लगता है कि ये किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हो सकता। दूसरा, टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम में डिसीजन क्विक होता है, पार्टीज दो होती है, वन टाइम फर्स्ट पार्टी आती है, सेकेंड टाइम दूसरी पार्टी आती है। एक पार्टी जीतती है, दूसरी हार जाती है, दूसरी जीतती है तो पहली हार जाती है। तो यहां पे भी ऑप्शन लिमिटेड है, बट ऑप्शन तो है, सम ऑप्शंस आर अवेलेबल। लेकिन अगर दोनों पार्टियों ने आपस में तालमेल कर लिया, आपस में कुछ ऐसा अलायंस कर लिया, तो जनता के पास कुछ नहीं रह जाता। इस सिचुएशन में हमको यह समझना होगा कि इसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ लॉसेस हैं। और लास्ट हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच अ लॉट ऑफ पार्टीज दैट कैन फाइट इन टू द इलेक्शन। हेयर ए लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। इफ वन पार्टी डू बेस्ट देन ही इट रन द कंट्री, बट इफ द पार्टी डू नॉट डू बेस्ट, सेकेंड वन अदर वन ऑल्सो विन इन द इलेक्शंस। व्हाट वी फाइंड हेयर, वी जस्ट फाइंड कि मल्टी पार्टी सिस्टम इज समथिंग बेटर इन कंपेरिजन ऑफ अदर, and here the democracy is also maintained. Here a lot of people can fight into the elections. So it's depend on you ki what you think. Haan, sab kuch kamiyan hain, yahan decision late se hote hain, elections mein bahut kharch aata hai, election mein thode corruptions ho jate hain, lekin overall dekha jaye to in teeno mein jo hai multi party system is the best thing. To ye jo comparison hai wo jo hum karne ja rahe hain, इसमें आप खुद सोचे समझे इन तीनों के गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स को आप खुद से इवेल्युएट करें और फिर तय करें कि क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट, अब हमारे यहां आता है टाइप्स ऑफ पार्टी इन इंडिया। दूसरा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पार्टी इन इंडिया। स्टूडेंट्स, वी हैव टू पार्टीज, टू टाइप्स ऑफ पार्टीज इंडिया। वन इज नेशनल पार्टी, सेकेंड इज रीजनल पार्टी। नेशनल पार्टी इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल पार्टी एंड स्टेट पार्टी इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीजनल और रूरल पार्टीज। रीजनल एक्चुअली रीजनल और स्टेट लेवल पार्टीज। तो व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन दीज। तो रीजनल पार्टी इज अ पार्टी विच वर्क इन अ रीजन, विच वर्क इन अ वन स्टेट, टू स्टेट। बट अ सेंट्रल पार्टी और नेशनल पार्टी इज अ पार्टी दैट रन ऑल ओवर द कंट्री एंड व्हेन इट विन द इलेक्शंस इट मेक गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल ऑफ द कंट्री। अभी जब हम बात कर रहे हैं, हम जब इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई वन पार्टी सिस्टम, नेशनल पार्टी क्या है और रीजनल पार्टी क्या है, इसको हम रोकेंगे। अभी हम चलेंगे कि इंडिया में अगर आपको पार्टी बनाना है तो इसके लिए आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने होंगे। एवरीवन शुड हैव टू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। व्हाट एवर द गाइडलाइंस कम फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑल पार्टी हैज टू फॉलो। फर्स्ट, all have to take registration from that. Second, the symbol allotted to them. Third, a party has to clear its manifesto. Also, party has a limit to expend money into the elections. A party has a limit of time, a limit of days to do the work. If there is an election commission rule comes, then after, if the announcement of the election will happen, then
यू कैन नॉट अनाउंस एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम और स्कीम्स टू द पीपुल्स. तो दीज आर सम लिमिटेशन गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी विच रन इंटायर इलेक्शन इन इंडिया. बट नाउ बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ इलेक्शन हैपन इन इंडिया लाइक एमएलए इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, ऑल्सो एमपी इलेक्शन, दिस इलेक्शन बॉडी हैज डिवाइडेड सेल्फ इन टू पार्ट. वन इज सेंट्रल बॉडी दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू डू इलेक्शन इन एमपी, बट सेकेंड इज स्टेट इलेक्शन कमीशन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू डू इलेक्शन इन स्टेट्स. So now we have some more points ki how a party is a national party, how a party is a regional party. So any party that work for a country for one, more than one state is called regional, is called central party or national party, or a party that work for a single country, single state is called regional party. To ab bachcho hum baat karenge ki hamare yahan jo hai regional partiyan jo hai wo kaise chunav ladti hain, ya kaun kaun si regional partiyan hain, और जो हमारा नेशनल पार्टी है वो कौन है और कहाँ इलेक्शन लड़ते हैं. बच्चों इंडिया जब आजाद हुआ ना, भारत जब आजाद हुआ उस समय एक ही पार्टी थी, कांग्रेस. निर्विरोध बहुत सारे लोग चुने गए, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री बने, और बहुत सारी चीजें चल रही थी. हमेशा कांग्रेस की सत्ता होती थी, कांग्रेस हर देश में, हर राज्य में, हर देश में हमेशा जीत के आता था. लेकिन 1990 राजीव गांधी के मौत के बाद, राजीव गांधी जी के मौत के बाद ऐसा नहीं था. When the election were held in 1989, that time lots of regional parties grew up. लगभग हर राज्य में एक नई पार्टियां निकल के आई. वो पार्टियां बड़ी नहीं थी, वो एक अननोन पार्टी थी जिसने क्षेत्रीय मुद्दों को कहा, जिसने किसी एक स्पेशल मुद्दे को, एक स्पेशल कास्ट की बात को ऊपर किया. और ये जो बहुत सारी पार्टियां निकल के आई, इन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को बढ़ा दिया और आज बहुत सारी रीजनल पार्टियां जीत के आती हैं. नहीं तो पहले एक नेशनल कांग्रेस जीत के आती थी और वो फ्रीली अपनी सरकार बनाती थी. आज बिहार में आरजेडी, यूपी में एसपी, बीएसपी, ये सब रीजनल पार्टियां जो है बहुत हद तक गवर्नमेंट फॉर्मेशन में बड़ा रोल प्ले करती हैं. तो ये सब 90s के बाद की बात है, इससे पहले ऐसा बहुत कम होता था. अब हम जब बात करेंगे तो इन तीनों पार्टीज में जो वन पार्टी है, टू पार्टी है और मल्टी पार्टी है, इसमें मल्टी पार्टी इसलिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम में अगर आपको कोई पार्टी चुनाव चिन्ह नहीं देती है, इफ देयर इज नो पार्टी विच इज एग्री टू गिव टिकट टू यू, देन यू कैन ऑल्सो फाइट इन टू द इलेक्शन इंडिपेंडेंटली. किसी को भी अकेले चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे उसको कोई पार्टी टिकट दे या पार्टी टिकट ना दे. कई बार पार्टियां टिकट देती हैं, चुनाव जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि पार्टी के अपने मुद्दे होते हैं, पार्टी के अपने वोटर होते हैं, वोट बैंक होता है, उसके वोट आपको मिल जाते हैं. लेकिन इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ने से आपको अपने, आप अगर बहुत परिचित नहीं है, आप बहुत अच्छे नहीं है, तो आपके चुनाव जीतने का चांस बहुत ही कम होता है. भारत में लगभग एक या दो सीट हमेशा इंडिपेंडेंटली किसी न किसी लोग के द्वारा जीता जाता है, लेकिन मैक्सिमम 543 से 540 सीटें कोई ना कोई पार्टी जीतती है. अब जो है हम अपने नए वीडियोस में जब चलेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन होने के बाद से बहुत सारी ऐसी पार्टियां आई हैं जिसने देश को बदलने की कोशिश की है, लेकिन ये सभी बातें हम अपने अगले वीडियोज करेंगे. थैंक यू.